चाय। क्या हुआ, परेशान लग रही हैं? शमीला का फोन आया था, बहुत परेशान थी वो। क्यों, खैरियत? आपा ने जाहिदा को निकाल दिया। जाहिदा को निकाल दिया, लेकिन क्यों? वो तो बड़ी भरोसे वाली मुलाजमा थी, बड़े अरसे से उनके पास थी और खाला जान तो उसकी बहुत तारीफ करती थी। इंसान के मिजाज का थोड़ी पता चलता है। चची जान, इसमें मिजाज की क्या बात है? अगर जाहिदा से कोई गलती हो गई थी तो खाला जान ने उसे माफ क्यों नहीं किया? खाला जान तो बहुत धीमे मिजाज की औरत है और जाहिदा भी ऐसी थी। आपा का मिजाज अब बहुत बदल गया है। तुमने वो मिसाल सुनी है, दूर के ढोल सुहाने होते? अब आपा वैसी नहीं रही, बिल्कुल बदल गई है। एक बात कहूं, बुरा ना मनाइए, आप शमीला की बात करना इतना भरोसा मत किया करें। उसने यहाँ क्या कुछ नहीं किया, जब से इस घर से गई है कितना सुकून हो गया। आप माने या ना माने, कसूर शमीला का ही होगा। ठीक कह रही हो तुम। और मैं तो ये भी कहूंगी आपसे कि शमीला की बातों में आके आप अपना रिश्ता मत खराब करें, आखिर को वो आपकी बहन है। अच्छा चलें छोड़ें, ये बताएं कि आज खाने में क्या बनाऊं? अरे इतनी सारी मिस्ड कॉल। हेलो जी मामा। रिदा, मैं बहुत परेशान हूँ, जाहिदा हमें छोड़कर चली गई है। तुम आ जाओ मेरे पास। जाहिदा आपा चली गई है, मगर क्यों? और माँ, आपको तो माँ जी की तबीयत का पता है, वो बेड रेस्ट पे, मैं उन्हें छोड़ के इस तरह नहीं आ सकती। लेकिन बेटा इस वक्त मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, तुम अपनी माँ जी से इजाजत लेकर थोड़ी देर के लिए आ जाओ। तुम आ जाओ फिर बताती हूँ तुम्हें सब। जी ठीक है, मैं पूछती हूँ माँ जी से। बस ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा रिदा। अच्छा मैं आती हूँ, आप परेशान ना हो, आप प्लीज टेबलेट ले लें ब्लड प्रेशर की, मैं पहुँचती हूँ, आ रही हूँ। खुदा हाफिज़। जी ये जरा करना मेरा क्वेश्चन ठीक। जी बस बस, पता नहीं कब ठीक होगा ये पाँव। क्या बात है बेटा? वो मेरी अम्मी का फोन आया था, मुझे लगता है उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मिलना चाहती है मुझसे, बुला रही है मुझे। तो जाओ ना, पूछ क्यों रही हो? शुक्रिया, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अरे नहीं, तुम्हें जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है, कोई अगर मुझे काम पड़ा ना, मैं समरा को फ़ोन करके बुला लूँगी, फिर जरीना तो है ना मेरे पास। अगर आप कहें तो समरा मुमानी को फ़ोन कर दूँ मैं? नहीं, मुझे बुलाना होगा तो मैं बुला लूँगी, कोई ज़रूरी भी नहीं है। जी ठीक है। जीशान को बता दिया? जी वो उन्हें फ़ोन करी थी मैं, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे मेरा। तो कोई बात नहीं, मैं बता दूँगी उसे। कैसे जा रही हो? माँ कैब में चले जाऊँगी। हाँ ठीक है तुम जाओ, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। थैंक यू। जाओ इत्मीनान। जी ठीक है अम्मी। जरीना माँ जी को चाय दो, उनका ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। माँ जी आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाए, मैं पूरा माँ जी का ख्याल रखूँ। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम, तुम आ गई। जी रिदा, मैं तुम्हारे बगैर इतनी उदास हो गई हूँ कि बता नहीं सकती। मैं भी, लेकिन 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 क्या? इधर आओ बैठो। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? मैंने कभी सोचा नहीं था कि शादी के बाद इतनी जिम्मेदारी निभाने पड़ेंगे मुझे, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, कुछ और भी तो नहीं कर सकती मैं। बेटा इतना सब्र और हौसला कहाँ से आ गया तुम्हें? अल्लाह दे ही देता है हौसला सब्र और बर्दाश्त भी। अच्छा आपने फोन किया था ना, बताएं क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? रिदा बेटा मैं गुनाहगार हूँ तुम्हारी, मैंने बहुत जल्दी तुम्हारी शादी कर दी, लेकिन बेटा ये सोच करके सिशान तुम्हें खुश रखेगा।
ये तो नसीब की बात है अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन बस कभी कभार मुझे भी ऐसा लगता है जैसे खुशी मुझसे रूठ से गई है। बहुत याद करती हूँ आप लोगों को मैं, आपको तो सबसे ज्यादा। तुम्हारे जाने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ भी खुशी नहीं रही। क्यों, क्या हुआ फिर, कुछ हुआ है क्या? सब एक दूसरे से मुतनफ़िर हो गए हैं, इतने इख्तलाफात पैदा हो गए हैं कि मुझे ऐसा लगता है शायद अब कभी ये आपस में मिल नहीं सकेंगे। क्या मतलब? जब सच साजिशों की लपेट में आता है तो वो बुरी तरह धुंधला जाता है। हम में से किसी को भी मकारियां नहीं आती, लेकिन शमीला के आते ही सब लोग शमीला की चालों में आ गए। मामा आप तो सब जानती हैं, तो आदत है भाभी की। मैं बहुत बेबस और मजबूर हो गई। सब देखती हूँ, समझती भी हूँ, लेकिन रीता मैं ना कुछ कह पा रही हूँ ना कुछ कर पा रही हूँ। हम आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, आप हिम्मत से काम लें प्लीज। लेकिन मेरी अज़ियत को समझने वाला कोई नहीं। एक ज़ाहिदा थी जिसे दिल की बात कह सुन लेती थी, वो भी चली गई। ज़ाहिदा आपा कहाँ चली गई? पता नहीं वो फलों के डब्बों का मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या चक्कर था। मुझे तो बस उस पर चोरी का इल्जाम लगाया, वो चली गई। क्या ज्यादा आप कहाँ गए मामा? पता नहीं, शायद गांव चली गई। और शौकत बाबा वो कहाँ है? क्यों, मैं खुद देखती हूँ।